हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान का मानव रोग से संबंधित हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो कवर किया है जो कि पार्ट वन था, जिसमें हमने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था जो कि मैंने खुद तैयार किया था ताकि आप सभी का अच्छे से रिविज़न करा सकूँ। उसी क्रम में ही हमारा पार्ट टू होगा, जिसमें बचे हुए जो कुछ भी मानव रोग हैं, ह्यूमन डिजीज हैं, जो कि जीवाणु विषाणु प्रोटोजोआ कवक से संबंधित होते हैं, उनसे ये पार्ट टू है। ठीक है, तो अगर पार्ट वन को अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट वन को जाके पहले देखिएगा, इसके बाद पार्ट टू में आए। ठीक है, चैनल में अगर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, तब भी ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए पार्ट टू के वीडियोज की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले 20 क्वेश्चन तक हमने करा दिया है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि अतिसार, जिसको हम डायरिया भी कहते हैं, किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ, किसके कारण ये अतिसार या फिर डायरिया होता है, बताइए। ठीक है, इस जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको आप टेस्ट की तरह लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा, इसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन को आप देखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ कह लीजिए या फिर परजीवी कह लीजिए, इसी के कारण ही अतिसार या फिर डायरिया होता है। ठीक है, एक्चुअली में अंतः परजीवी प्रोटोजोआ, जिसको हम निमेटोड भी कहते हैं, याद रखिएगा, निमेटोड भी कहते हैं, उसके कारण होता है। पूरा याद रखिएगा, अंतः परजीवी प्रोटोजोआ। ऐसे भी अगर कई बार से ऑप्शन दे देगा तो आप उसको ही टिक करिएगा, अगर निमेटोड देगा ऑप्शन में तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि निमेटोड ही एक तरह का परजीवी ही है, जो अंतः परजीवी जो होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, उसको निमेटोड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, प्रोटोजोआ। ये जो अतिसार या फिर डायरिया होता है जनरली बच्चों के अंदर ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अतिसार या फिर डायरिया किस परजीवी के कारण होता है। इससे पहला क्वेश्चन देखें हमने 21 वाला, कि परजीवी या फिर प्रोटोजोआ के कारण तो ये होता है, लेकिन इस बार आपसे नाम पूछ लिया है कि कौन सा ऐसा परजीवी है जिसके कारण ये डायरिया या फिर कह लीजिए अतिसार होता है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्केरिस लुब्रिकाइटिस। ठीक है, इस परजीवी के कारण ही यह होता है, यह एक अंतः परजीवी प्रोटोजोआ है, जो अगर ये पूछ दे कि किसके चलते, किसके कारण ये, या फिर कह लीजिए कि ये प्रसारित किसके माध्यम से होता है, तो जो घरेलू मक्खी होते हैं, ठीक है, घरेलू मक्खी जो होते हैं उससे इसका प्रसार होता है। ठीक है, याद रखिएगा, परजीवी का नाम एस्केरिस लुब्रिकाइटिस है और ये घरेलू मक्खी के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से किस रोग को हाथी पाव या फिर एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है? अतिसार, फाइलेरिया, हर्पीस या फिर एथलीट फुट, किसको हाथी पाव के नाम से जाना जाता है, बताना आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया को ही हाथी पाव के नाम से या फिर एलिफेंटियासिस के नाम से जाना जाता है। इसके एक्चुअली में ये जो है फाइलेरिया कह लीजिए या फिर हाथी पाव कह लीजिए, ये क्रीमी से होता है। ठीक है, क्रीमी के द्वारा होने वाला है। क्रीमी का नाम भी याद रखिएगा, कई बार से एग्जाम में पूछता है, इसका नाम है फाइलेरिया ब्रैंकोफ्लाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइलेरिया, इसके बाद ब्रैंकोफ्टाई। इस क्रीमी का नाम जरूर याद रखिएगा, फाइलेरिया ब्रैंकोफ्टाई, इस क्रीमी के कारण ही हाथी पाव या फिर फाइलेरिया होता है। और ये एक्चुअली में मच्छरों के काटने से होता है, मच्छरों के दंश से होता है। ठीक है, मच्छर काटने से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर पूछ देगा कि इसका संचारण कैसे होता है, तो एक मच्छर होता है जिसका नाम होता है क्यूलेक्स। ठीक है, क्यूलेक्स, इस क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, उसके दंश के माध्यम से, उसके काटने से इसका प्रसारण होता है, जिसके कारण जो मानव शरीर का जो पैर होता है या फिर शरीर के जो अन्य भाग होते हैं उसमें सूजन हो जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के पैर बहुत बड़े बड़े हाथी की तरह हो जाते हैं, इसीलिए उसको हाथी पाव के नाम से भी जाना जाता है या फिर फाइलेरिया भी उसको कहते हैं। राइट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा मानव रोग फफूंद या फिर फंगस से नहीं होता है? ठीक है, याद रखिएगा, फफूंद या फंगस, इसको हम कवक भी कहते हैं। ठीक है, कवक, तो आप जैसे भी आपसे प्रश्न पूछ ले, कौन सा प्रश्न ऐसा है, कौन सा ऐसा विकल्प है
जो कि फफूंद या फिर कह लीजिए फंगस या फिर कवक से नहीं होता है। दमा, एथलीट फुट, खाज या फिर ट्रेकोमा, कौन सा नहीं होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये ट्रेकोमा जो है ये कवक के द्वारा होने वाला नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, एक्चुअली में जो कवक है ये आँख की एक बीमारी है, सॉरी ट्रेकोमा जो है आँख में होने वाली एक बीमारी है, याद रखिएगा। बाकी जो ए बी सी जो तीनों ऑप्शन है ये फफूंद या फिर कवक से होने वाले बीमारियां, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ट्रेकोमा जो है फफूंद, कवक या फिर फंगस से नहीं होता, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25वां प्रश्न है कि दाद जिसको हम रिंग वॉर्म भी कहते हैं, रोग किस कवक से फैलता है? बताइए किस कवक के द्वारा जो है दाद ये होता है, रिंग वॉर्म किसके कारण होता है, आप सभी को बताना। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका नाम याद रखिएगा, इस दाद को करने वाला जो कवक है उसका नाम है ट्राइकोफाइटन लेरुकोसस। ठीक है, ट्राइकोफाइटन लेरुकोसस नामक कवक के माध्यम से दाद या फिर रिंग वर्म होता है, और ये जो दाद है एक तरह का संक्रामक बीमारी है। ठीक है, जो एक से दूसरे में भी फैलता है। ठीक है, यह एक संक्रामक बीमारी है, याद रखिएगा। और बाकी जो पहला विकल्प है ना, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ये जो है ये सभी के सभी कवकों का नाम है। ठीक है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स जो है ये इसके कारण क्या होता है, तो दमा जो अस्थमा होता है ना इसी कवक के कारण होता है। ठीक है, ये जो दमा जिसको हम अस्थमा कहते हैं ये इसी कवक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, जो टीनिया पेडिस है, ठीक है, टीनिया पेडिस जो ऑप्शन नंबर बी है, इसके कारण एथलीट फुट होता है। ठीक है, एथलीट फुट नामक जो रोग होता है टीनिया पेडिस के कारण होता है, और एकेरस एस्केबिस जो है ये ऑप्शन नंबर सी, इसके कारण कौन सी बीमारी होती है, तो खाज। ठीक है, खाज होता है, खाज को हम क्या कहते हैं, स्केबिस भी कहते हैं, तो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ट्राइकोफाइटन लेरुकोसस, जिसके कारण दाद या फिर रिंगवर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वर्णांधता जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, रोग से पीड़ित व्यक्ति को किन रंगों की पहचान नहीं कर सकता या फिर पहचान या फिर भेद नहीं कर सकते, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होता है, बताइए। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो वर्णांधता एक तरह का कह लीजिए कि जेनेटिक डिजीज के अंदर आता है, यह अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, याद रखिएगा, जो वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस है यह एक कैसा अनुवांशिक बीमारी है, और जिसको भी वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस होता है वो लाल और हरा रंग की पहचान करने में उसको प्रॉब्लम होता है, वो दोनों में विभेद नहीं कर सकता। ठीक है, कई बार से नीला रंग भी, ठीक है, कई बार से ऐसा होता है कि नीला रंग में भी वो विभेद नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे आप लोग आंसर करिएगा कि आपने गंजापन सुना होगा, बाल्डनेस या फिर गंजापन जिसको कहते हैं, ये जो होता है किसके कारण होता है। ठीक है, बताइएगा कि ये जीवाणु के कारण होता है, कि विषाणु के कारण होता है, कि कवक के कारण होता है, या प्रोटोजोआ किसके कारण होता है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27वां प्रश्न है कि जो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस है उस रोग का वाहक कौन होता है, पुरुष और स्त्रियां दोनों, केवल स्त्रियां या फिर ट्रांसजेंडर, बताइए कौन ऐसे हैं जो वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस के वाहक होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो स्त्रियां होती हैं वो कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता के वाहक होते हैं, याद रखिएगा। ये स्त्रियों में तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र जो हैं एक्स एक्स प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, स्त्रियों में कब होगा, जब इसके दोनों गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे, एक्स एक्स प्रकार के हो जाएंगे, तभी स्त्रियों में वर्णांधता हो सकता है, अदरवाइज केवल पुरुषों में ही होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जनरली किस में होता है, पुरुषों के अंदर होता है, लेकिन इस रोग के वाहक कौन होती हैं, स्त्रियां होती हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है या 45 हो जाती है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम या फिर क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, बताइए कि ऐसा चारों में से कौन सा ऐसा रोग है। ये सभी के सभी यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है ना, जिसमें डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये सभी के सभी अनुवांशिक रोग है। ठीक है, ये सभी के सभी कैसे हैं, अनुवांशिक रोग के कैटेगरी में आते हैं, और बताना है आपको कि चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि स्त्रियों में होता है, और कब होता है, जब स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 46 से घट के 45 हो जाती है। हम सभी को पता है कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, या फिर कह लीजिए टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जब इससे कम हो जाता है तभी किसी भी तरह का एक सिंड्रोम हो सकता है, बीमारी हो सकता है, जब 46 से ऊपर हो जाता है तब भी होता है। ठीक है, तो स्त्रियों के अंदर जो
बीमारी होती है, जो रोग होता है जिसमें गुणसूत्र 45 हो जाता है, वो है ऑप्शन नंबर बी, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होने वाली एक रोग है, अनुवांशिक रोग है, जो कि गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से कम 45 हो जाता है, तब जाके ये रोग उनके अंदर देखने को मिलता है। ये स्त्रियों में होता है और कई बार से इसके कारण बांझपन हो सकता है महिलाओं के अंदर। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं, पुरुष में कई बार से ये जो आप क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ये पुरुषों में होता है जनरली। ठीक है, ये पुरुषों के अंदर होता है और कब होता है, जब इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़ के 47 हो जाता है तब होता है, और इसके कारण नपुंसकता नामक बीमारी हो सकती है उनके अंदर, ये नपुंसकता देखने को मिल सकता है। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, टर्नर सिंड्रोम। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है। ठीक है, यहाँ पे 6 रोगों का नाम दिया है, जिसे में हीमोफीलिया है, चेचक, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, खसरा और पटाऊ सिंड्रोम। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से अनुवांशिक रोग है, उसके बाद आपको उचित विकल्प का चयन करना है। तो इससे पहले भी मैंने बताया ऑप्शन, जैसे हीमोफीलिया भी एक तरह का क्या है, अनुवांशिक रोग ही है। हीमोफीलिया जब किसी को हो जाता है तो कई बार से जब चोट लग जाता है ना, तो जो ब्लड का क्लोटिंग होता है, थक्का होता है, वो जनरली 2 से 5 मिनट में हो जाता है, थक्का बन जाता है। लेकिन जिस किसी को भी हीमोफीलिया हो जाता है उसको थक्का बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है, या फिर आधे घंटे 1 घंटे होने के बावजूद भी थक्का क्लोटिंग नहीं बनता, तब जाके उसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। तो हीमोफीलिया भी एक तरह का अनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा। जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये तो वर्णांधता जो है, ये तो अनुवांशिक रोग है ही, मैं पहले बता चुका। डाउन सिंड्रोम भी है और पटाऊ सिंड्रोम है, मतलब 1, 3, 4 और 6, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 1, 3, 4, 6 जो है वो अनुवांशिक रोग के कैटेगरी में आता है। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का प्रश्न है कि इस रोग से पीड़ित रोगी का ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है। ये चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा रोग है जिसके कारण जो पीड़ित व्यक्ति होगा, जो रोगी होगा, उसका जो ऊपर अपर लिप जो होगा, अपर या फिर ऊपर का जो ओठ होगा वो बीच से कट जाता है, बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटाऊ सिंड्रोम। जिस किसी भी व्यक्ति को हो जाता है उसका ऊपर वाला जो ओठ है वो बीच से कटा हुआ होता है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो मैंगोलिज्म यहाँ पे लिखा हो ना, मैंगोलिज्म ऑप्शन नंबर जो ए है, ये जो डाउन सिंड्रोम जिसको होता है ना, उसको हम मैंगोलिज्म उस बीमारी को भी कहते हैं। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम के कारण हम मैंगोलिज्म भी उसको हम कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में अनियंत्रित कोशिका वृद्धि से निर्मित अनियमित कोशिका के गुच्छे को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनका डिवीजन हमेशा चलते रहता है, कोशिका की वृद्धि होते रहती है, लेकिन नियंत्रित मात्रा में होता है। लेकिन कई बार से जब कोशिकाओं का जो वृद्धि है वो अनियंत्रित हो जाए और उसमें जो कोशिका जो है गुच्छे के रूप में अनियमित रूप से उनका निर्माण होने लगता है, तो उस केस को हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये अच्छा कैंसर तो हमने देख लिया कि कैंसर किसको कहते हैं। पहला विकल्प है सिजोफ्रेनिया। ये सिजोफ्रेनिया क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सिजोफ्रेनिया एक तरह का मानसिक रोग है जो कि युवा वर्ग में जनरली देखने को मिलता है, और इसमें क्या होता है ना, जो व्यक्ति जो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होता है, जो ग्रसित होता है, वो जो कुछ भी कल्पना वो करता है ना उसी को सत्य मान लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर बी है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है, तो ये आँख की मांसपेशियों में जब पक्षाघात होता है, जैसे कि पैरालिसिस, आँख की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशी है, उसमें जब पैरालिसिस होता है तो उसके कारण डिप्लोपिया नामक रोग हो जाता है, तो ये आँख से संबंधित है। और हीमोफीलिया के बारे में मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, कीमोथेरेपी शब्द किसने दिया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल, ये जो कीमोथेरेपी जो शब्द है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो कीमोथेरेपी जो है ये कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, इसलिए आप कई बार से शॉर्ट्स रील्स वगैरह देखते होंगे तो कीमोथेरेपी जो शब्द है आपको सुनने को मिलेगा। तो कीमोथेरेपी है क्या, तो कैंसर का इलाज का एक कह लीजिए कि एक सिस्टम है, पद्धति है। ठीक है, अब बताना है कि कीमोथेरेपी शब्द जो है ये किसने दिया था। मैकुलाच ने दिया था, पाउल एहरलिच ने दिया था, रॉबर्ट कोच ने दिया था, या लेवरन ने दिया था, किसने दिया था। सही आंसर है कीमोथेरेपी शब्द जो है पाउल एहरलिच के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। और जो पाउल एहरलिच है ना, इनको ही आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता, रसो चिकित्सा
का पिता किसे कहा जाता है, तो पाउल एहरलिच को कहा जाता है। ठीक है, मैकुला जो है ये किस लिए फेमस है भाई, तो ये मलेरिया शब्द का पहली बार प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, मलेरिया शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो मैकुलाच ने किया था। लेवरन किस लिए, तो ये जो लेवरन है इन्होंने क्या किया था, जैसे मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी होता है, उसकी खोज किसने किया था, तो लेवरन ने प्लाज्मोडियम की खोज किया था, याद रखना है। और रॉबर्ट कोच के बारे में तो आप सभी आई थिंक जानते होंगे, इन्होंने टीबी की बैक्टीरिया की खोज किया। ठीक है, टीबी बैक्टीरिया का खोज किया था इन्होंने। कॉलेरा जो होता है हैजा, ठीक है, उसके बैक्टीरिया का भी खोज इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि एलिसा ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसी, ये जो टेस्ट है क्या होता है, HIV वायरस की जांच प्रणाली है, कैंसर जांच प्रणाली है, TB की जांच प्रणाली है, या फिर मलेरिया जांच प्रणाली है। तो एलिसा टेस्ट जो होता है HIV वायरस की जांच प्रणाली की एक पद्धति है, एक जांच प्रणाली है। ठीक है, जिसमें HIV वायरस की जांच की जाता है और ये पता किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है एड्स से पीड़ित है कि नहीं। ठीक है, तो एलिसा टेस्ट क्या है, एड्स को वेरीफाई करने के लिए कि कोई व्यक्ति पीड़ित है कि नहीं, ये पता किया जाता है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि HIV का फुल फॉर्म जो है आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि किस गैस का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बताइए किस गैस का प्रयोग, जो चारों में से कौन सा ऐसा गैस है जिसका प्रयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है, बताइए। स्ट्रांसियम 90, जेनॉन, हीलियम या फिर रेडॉन, किसका किया जाता है बताइए। इसका सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो रेडॉन है, इस रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। और जो स्ट्रांसियम 90 है ना, इससे तो कैंसर होता है, इसके लिए जो बोन कैंसर होता है ना, अस्थि कैंसर, ठीक है, अस्थि कैंसर या फिर जो बोन कैंसर होता है, ये स्ट्रॉन्सियम 90 के कारण होता है, याद रखिएगा। लेकिन इलाज में किसका, रेडॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 35 है कि वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, एजीरोथाइमिन, AZT, DPT-टी का, BCG-टी का लगाया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने देखा एड्स के इलाज के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, मतलब उसके चेक करने के लिए कि कोई व्यक्ति पीड़ित है कि नहीं, लेकिन उपचार के लिए किस औषधि की प्रयोग की जाती है, तो याद रखिएगा एजीरोथाइमिन, AZT, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और BCG का टीका तो आप जानते हैं, BCG का फुल फॉर्म बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है, जो कि TB के लिए एक टीका होता है, ट्यूब्रोक्लासिस का एक टीका है, वैक्सीन है। ठीक है, BCG का फुल फॉर्म में भी याद रखिएगा बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। और DPT टीका जो है ना, ये किस लिए होता है, तो डिप्थीरिया, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ तीनों बीमारी का नाम, डिप्थीरिया हो गया, एक होता है काली खांसी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस, ठीक है, टिटेनस, इन तीनों से प्रतिरक्षण के लिए DPT का टीका जो है बच्चों में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन और आपसे कर देता हूं जाते जाते, प्रश्न ये है कि बताइए कि रेबीज का टीका का खोज किसने किया था। ठीक है, रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, किसके द्वारा किया था, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, तीन प्रश्न ही बोला हूं, तीनों प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अभी तक हमने 35 क्वेश्चन देखा, और मुझे लगता है कि RRB NTPC में अगर आप जाते हैं, तो मैंने जो दो वीडियोस डाला है अभी मानव रोग से संबंधित, वीडियो 1 और वीडियो 2, इसमें जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जितने भी तरह का बीमारी रोगों से संबंधित प्रश्न मैंने यहाँ पे बताया है, इसको अगर आप करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन जो है शायद ही छूटे, और यहाँ से आपको एक से दो प्रश्न तो आपको देखने को मिलता ही है। तो ये टॉपिक आपको करके जाना ही चाहिए, इसीलिए मैं इस टॉपिक को सबसे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे लाया हूँ, कंप्लीट कराया हूँ। ठीक है, तो चलिए आप तैयारी अच्छे से करते रहें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द ही आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए होंगे तो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप जाके कुछ भी डाउट हो आप शेयर कर सकते हैं, हम सब मिलके उसको सॉल्व कर लेंगे। राइट, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।